बदलापुर में दो नाबालिगों के साथ यौन शोषण के मामले में गिरफ्तार अक्षय शिंदे को बीती शाम एनकाउंटर में पुलिस ने मार गिराया। फिलहाल अक्षय शिंदे का जो शव है वो कलवा के छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल में रखा गया है। कुछ समय बाद ये शव यहाँ से मुंबई के जेजे अस्पताल ले जाया जाएगा, जहाँ पर एक्सपर्ट डॉक्टर्स के पैनल के सामने उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा। सूत्रों ने बताया कि ये पोस्टमार्टम जिस वक्त किया जाएगा उसकी वीडियोग्राफी भी की जाएगी। आपको बता दें कि इस पूरे इंसिडेंट में एक पुलिस कर्मी जख्मी है, जिसका नाम एपीआई नीलेश मोरे है। सूत्रों ने बताया कि पीआई संजय शिंदे ने आत्मरक्षा करते हुए अक्षय शिंदे पर गोली चलाई, जिसमें उसकी मौत हो गई। अक्षय शिंदे को एक दूसरे मामले में पुलिस कस्टडी लेकर तलुजा जेल से थाने ले आ रही थी, जिस वक्त ये इंसिडेंट हुआ। ये इंसिडेंट मुमरा बाईपास रोड पर हुआ, जिस वक्त बताया जा रहा है कि अक्षय शिंदे ने मोरे से बंदूक छीन कर एक राउंड फायर किया, जिसमें गोली उनके पैर पर लगी और दो राउंड मिस फायर हो गए, जो किसी को भी नहीं लगी। जिसके बाद पीआई शिंदे ने आत्मरक्षा करते हुए खुद की रक्षा के लिए अक्षय शिंदे पर गोली चलाई और जिस गोली में उसकी मौत हो गई। फिलहाल इस एनकाउंटर के बाद महाराष्ट्र की राजनीति गर्म हो गई है। हर कोई एक दूसरे पर सवाल उठा रहा है। विपक्ष सवाल उठा रहा है कि गृह मंत्रालय का ये जो एक्शन है वो गलत है, नियमों के हिसाब से नहीं किया गया है। हालांकि जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उन्होंने इस पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। कैमरामैन सचिन शिंदे के साथ सूरज ओझा, एबीपी न्यूज ठाणे। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.